तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूं। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूं, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 26 फरवरी 2019 पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो, मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थाई आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उससे प्रेम रखो और तुम्हारे हृदयों में प्रकाश का उदय होगा। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37 तक। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वे तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वे सबसे पिछला और सबका सेवक बने।
उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है, वे मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वे मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।